हाय गाइस, माय नेम इज शिवान बसीन एंड वेलकम बैक टू द एस्ट्रोलॉजी। तो गाइस, अभी करेंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि बिटकॉइन अपने न्यू लाइफ टाइम हाई को क्रिएट कर चुका है, $66,000। सो आई थिंक आप लोग बहुत लोगों ने मिस कर रहा होगा कि आप लोग क्रिप्टोज के अंदर ट्रेड नहीं कर पाए हो बिकॉज आप लोग एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिले, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप जीरो ब्रोकरेज के थ्रू बाय या सेल कर पाए और आपको रेफरल कोड्स मिलते रहे, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो। प्लस एक चीज और, क्योंकि वो आप लोगों के माइंड में बहुत बार आता होगा, आप देखते होंगे यार मैंने क्रिप्टो करेंसीज के अंदर फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट कर दिया, अब मुझे अर्जेंटली उन पैसों की नीड है, तो क्या मैं अगर विड्रॉ करना चाहूंगा तो क्या वो सेफली विड्रॉ हो जाएगा, क्या वो सुपर फास्ट तरीके से विड्रॉ हो सकता है, या फिर अगर मुझे किसी को पेमेंट करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ग्रोसरी स्टोर में गया एंड वहां पर मुझे गूगल पे करना है, पेटीएम करना है, बट मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, बट मैंने वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो क्या मैं जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट कर रखा है क्या मैं उससे थोड़ा सा अमाउंट से अपनी ग्रोसरी पे कर सकता हूँ? यस गाइस, मैं आज इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ। क्रिप्टो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो विद अ के। तो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आप अपने पर्टिकुलर क्रिप्टो से ही पेमेंट कर सकते हैं, ग्रोसरी की पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, स्कैन के थ्रू अपने पेमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक बार मोबाइल के टर्मिनल पे लेकर जाऊंगा, मोबाइल के इंटरफेस पे लेकर जाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हैं और कैसे आप दूसरे लोगों को पेमेंट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी और सिंपल इजी वे। ओके, सो हम लोगों ने अपना ऐप ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत इजी वे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड भी ले सकते हैं एंड किस तरीके से हम लोग QR कोड के थ्रू किसी को भी पेमेंट भेज सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो मैं क्रिप्टो का ऐप ओपन कर लेता हूँ। क्रिप्टो ऐप है विद कैपिटल लेटर्स ऑफ ए। सो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये इंटरफेस आप लोगों के सामने शो कर रहा होगा। सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा कि लिखा होगा हे बींग शिवांश एंड नीचे वेरीफाइड दिख रहा होगा। सो हे बींग शिवांश मेरा यूजर नेम एंड वेरीफाइड आप कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर अकाउंट को? KYC के थ्रू। आप जैसे KYC इसके अंदर फिल करेंगे बिकॉज KYC के थ्रू आपका जो भी डाटा है वो पूरा सिक्योर रहेगा एंड ये बिल्कुल सेफ है। सो अगर आप नीचे देख रहे होंगे तो आप लोगों को वॉलेट वैल्यू दिख रही होगी 392.95 पैसा। अब अगर मैं बात करूं तो मैंने उस पर डिपॉजिट करे थे 500 रुपीज, जिसमें से 100 रुपीज मैंने QR कोड के थ्रू अपने फ्रेंड को भेजे थे जो कि ऑटोमेटिकली जा चुके हैं। इसके अलावा जो 400 रुपीज थे उसमें से मुझे 8 रुपीज का अभी कॉइन्स के थ्रू लॉस हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोग रिसेंट अगर मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो क्रिप्टो करेंसी 3-4% डाउन है जिसमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा ईजी है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर मैं वॉलेट वैल्यू को क्लिक करता हूँ तो वॉलेट वैल्यू पे आप सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे आपको पाई चार्ट व्यू दिख रहा होगा। अब जैसे ही पाई चार्ट व्यू पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा कि आपने अपना अमाउंट कौन सी जगह कितने परसेंटेज वाइज पे इन्वेस्ट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल आप ऊपर देख पा रहे होंगे XRP मैंने 37.2% मेरा पोर्टफोलियो है। इसके अलावा कैश मेरे पास 31% है। डोजकॉइन मैंने बाय कर रखा है जो 30% मेरा पोर्टफोलियो कवर कर रहा है। तो ये तीन मेरे पास है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि 124 रुपीज़ INR मेरे पास है। XRP 1.716 मैंने बाय कर रखी है, प्लस डोज मैंने 6 कॉइन्स बाय कर रखे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डिपॉजिट और सारी चीज़ों का ऑप्शन मिलता है। आप बहुत इजीली डिपॉजिट भी कर सकते हैं, UPI के थ्रू आप बहुत इजीली डिपॉजिट कर देते हैं और विद इन अ मिनट आपके इस पर्टिकुलर अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं बाय और सेल करने की। तो उससे पहले समझते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या नई खासियत है। आप कॉइन सेगमेंट में जा रहे होंगे तो कॉइन सेगमेंट में आपको सी मोर करके एक ऑप्शन दिख रहा है। आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे मल्टीपल जितने भी कॉइन्स इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर है, प्लेटफॉर्म के अंदर है, वो सारे आपको विजिबल हो जाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बाय करना है, अगर हम बाय करना चाहते हैं, ओके सो लेट्स गो विद BTC। हम फॉर एग्जाम्पल XLM बाय करना चाहते हैं। सो मैं जैसे ही XLM पे क्लिक करूंगा तो स्टेलर ओपन हो जाएगा। XLM स्टेलर है, यहाँ पर आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो बाय और सेल दोनों के ऑप्शन आपके सामने विजिबल है। प्लस अगर आप नीचे स्क्रोल करेंगे तो नीचे आपको चार्ट्स दिख जाएंगे। इट्स अ लाइन चार्ट। नीचे आपको 24 आवर्स का हाई और लो भी दिख जाएगा जिसके बेसिस पे आप अपनी एनालिसिस या स्ट्रैटेजी करके एक ट्रेड ले सकते हैं हाई और लो के बेसिस पे। आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो स्टेलर के बारे में आपको पता चल जाएगा। जो भी करंट न्यूज़ है जिस मार्केट के अंदर आप स्टेलर के बारे में सुन रहे होंगे, वो सारी न्यूज़ ये पर्टिकुलर चीज़ कवर करती है। तो यहाँ पर आप न्यूज़ के बेसिस पे भी अपना डिसीजन ले सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसीजन लिया, आपने अपनी रिसर्च करी, अपनी एनालिसिस करी और आपने सोचा कि मैं XRP बाय करना चाहता हूँ। सो सिंपली यू कैन क्लिक ऑन द बाय। आप जैसे ही बाय करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही इंटरफेस ओपन होगा तो बहुत सिंपल है, आपको दिख रहे होंगे ऊपर बाय और सेल, नीचे आपको दिख रहा होगा मार्केट। अब यहाँ पर दो तरीके से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और बहुत अच्छी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे XLM बाय करना है करंट प्राइस जो भी अभी रिसेंट चल रहा है। सो मैं सिंपल मार्केट जो लिमिट है, जो मार्केट है एग्जैक्टली उस लेवल पे रखूंगा। अगर मुझे अपने प्राइस खुद डिसाइड करना है कि मैं इसी लेवल पे बाय करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एनालिसिस करी कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है कुछ पर्टिकुलर लेवल पे, मैं एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर लेवल पे अपना लिमिट सेट करना चाहता हूँ। सो मैं जैसे ही मार्केट पे क्लिक करूँगा वो ऑटोमेटिकली लिमिट पे कन्वर्ट हो जाएगा। मैं अपना प्राइस खुद डिसाइड कर सकता हूँ मुझे कौन से प्राइस पे उसे बाय करना है। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी करंट प्राइस पे ही बाय करना है तो मैं लिमिट ही, मार्केट ऑर्डर ही सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि कितना अमाउंट आपको XLM बाय करना है। सो नीचे आप देख सकते हैं बैलेंस आपके पास 124 रुपीज़ है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं विच इज़ वेरी गुड। आपके पास फॉर एग्जाम्पल 124 रुपीज़ है और मुझे अपने पर्टिकुलर अमाउंट का जो मेरे पास रिमेनिंग बैलेंस है मैं उसका 50% XLM में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। सो मैं सीधा 50% पे जैसे क्लिक करूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली बता देगा अगर मैं अपने बैलेंस का 50% अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 2.1241 XLM मिलेंगे। सो फॉर मेरे लिए तो अच्छी बात है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 75 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे 3 चाहिए। मैं सीधा बाय XLM पे क्लिक करूंगा एंड मैं जैसे ही बाय क्लिक करूंगा आप ऊपर देख सकते हैं योर ऑर्डर हैज बीन क्रिएटेड, मेरा ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। अब दोबारा चलते हैं पीछे एंड एक बार पाय चार्ट को दोबारा रिव्यू करते हैं। सो मैं जब पाई चार्ट पे गया तो अब आप देख सकते हैं कि XLM आपका 23.7% पोर्टफोलियो होल्ड करता है और आपने ऑटोमेटिकली से बाय कर लिया विद इन सेकेंड्स। ठीक है, ये इस पर कुछ बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, जीरो ब्रोकरेज है जो आप पे कर सकते हो बाय और सेल करने में। इसके अलावा आप कुछ बढ़िया फीचर्स की बात करते हैं जो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को, सब प्लेटफॉर्म, कोई भी क्रिप्टो करेंसीज के प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा बेटर बनाता है। सबसे पहली चीज रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स पे आपको ऊपर सबसे दिख रहा होगा माय रेफरल कोड, ये रेफरल कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप इस कोड के थ्रू अगर आप ओपन कराते हैं तो डेफिनेटली जो कुछ रिवॉर्ड्स है वो मुझे मिलेंगे क्योंकि यार आप मेरे कोड के थ्रू ओपन करवा रहे हैं, बट ये स्पेसिफिकली मेरे लिए कंटेन नहीं है। आप जैसे ही ओपन करवाएंगे आपका खुद का एक पर्सनल रेफरेंस कोड होगा, आप वो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को दे सकते हैं। अगर वो उसके थ्रू अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको यहाँ पर रिवॉर्ड्स प्रोवाइड होंगे। फॉर एग्जांपल मुझे एक रिवॉर्ड मिला था जिसपे मुझे मैटिक के कुछ कॉइन्स प्रोवाइड हुए थे। सो इस तरीके से आप भी ऑन अ डेली बेसिस कुछ ना कुछ कॉइन्स अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा बाय और सेल मैंने आपको बता दिया है, वॉलेट ऑलरेडी हम लोगों को पता है। जो सबसे बढ़िया फीचर है, जो सबसे ज्यादा बढ़िया फीचर है, दैट इज क्रिप्टो पे, जिसके लिए मैं बहुत स्पेशल वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो मैं जैसे ही क्रिप्टो पे के अंदर क्लिक करूंगा, सो मैं क्रिप्टो पे क्लिक करूंगा एंड मेरे सामने स्कैनर है UPI का। मैं जैसे ही उसे स्कैन करूंगा और मैं कोई भी अमाउंट, जैसे मैंने अभी फॉर एग्जाम्पल XLM बाय करा है, मैंने XLM बाय करा है ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का, बट मैं चाहता हूँ मैं उसमें से कुछ अमाउंट पे करना चाहता हूँ ग्रोसरी स्टोर पे, क्योंकि मैं अभी वहाँ पर विजिट कर रहा हूँ और मेरे बैंक अकाउंट में अभी बैलेंस नहीं है। सो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आप कैसे पे कर सकते हैं। सो मैं सिंपली क्रिप्टो पे पे क्लिक करता हूँ। सो आप देख सकते हैं हम लोग सिंपल जैसे ही हम लोगों ने स्कैन करा, क्लियर बेसिस पे जैसे ही स्कैन करा विद इन सेकेंड्स हमारा ये टर्मिनल ओपन हो गया एंड क्लियरली आप ऊपर देख सकते हैं पे टू दिव्यांशु एंड जो भी UPI ID है। अब हम नीचे चलते हैं, नीचे फॉर एग्जाम्पल मुझे बाय कर, मुझे पे करना है, लेट्स गो विथ स्टेलर, मैं स्टेलर के थ्रू पे करना चाहता हूँ क्योंकि अभी मैंने स्टेलर के अंदर इन्वेस्ट करा है। लेट्स गो विथ 100 अमाउंट, मैं 100 रुपये भेजना चाहता हूँ इस UPI ID में। सो मैं जैसे UPI ID में भेजूंगा और अपना अमाउंट डालूंगा मैं पे नाउ पे क्लिक करूंगा, ये मेरे से OTP मांगेगा। सो लेट्स पुट द OTP हियर, यहाँ पर आपको OTP आ गया, क्लिक करो इसे एंड यहाँ पर जाके आप पेस्ट कर सकते एंड आप जैसे ही करोगे आपका ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और विद इन सेकेंड्स गाइस पे आउट सक्सेसफुल हो चुका है एंड दिव्यांशु के रिसीव हो चुके हैं। सो इट्स वेरी सिंपल गाइस, इट्स वेरी सिंपल और बहुत बढ़िया फीचर है। आप कोई भी ग्रोसरी स्टोर्स पे जाके पे कर सकते हो, आपको कोई भी चीज़ें चाहिए तो आप यहाँ पर जाके पे कर सकते हो। सो अब आपके माइंड में ये वाली बात बहुत टाइम से आती होगी कि अगर मैं मार्केट के अंदर या मैं क्रिप्टोज के अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा और अगर मुझे कोई सफिशियंट चीज़ की नीड होगी और मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है सफिशियंट, सो मैं क्या करूंगा, क्योंकि विड्रॉवल के लिए 24 आवर्स लगते हैं। सो डोंट वरी, ये पर्टिकुलर ऐप, ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आपके लिए चीज भी कवर कर रहा है। आप क्लियर बेसिस पे अपना क्रिप्टो एग्जिट कर सकते और अपनी पेमेंट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स।
सो आई होप आपको ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पसंद आया होगा। अब आप देख सकते हैं क्लियरली, जैसे मैंने 100 रुपीज़ पे करा, मेरे वॉलेट में से 100 रुपीज़ डिडक्ट हो चुके हैं। सो ये थी गाइस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, गो एंड ओपन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म और यहाँ पे आपको बढ़िया चीज़ें देखने को मिलेंगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।